एक नई शुरुआत हमें डराती है, लेकिन याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। नमस्कार, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, वैसे तो ये जो मार्च का महीना है ये बहुत ही शुभ व कल्याणकारी रहने वाला है हर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस महीने में आ रही है महाशिवरात्रि, जिस दिन शिव व शक्ति का मिलन हुआ था। तो महाशिवरात्रि के दिन जो भी भगवान शंकर की पूजा करता है, शक्ति की आराधना करता है, व्रत करता है या रात्रि जागरण करता है, भोले बाबा की कृपा उस पर बनी रहती है। इसी महीने में आ रही है होली, रंगों का त्योहार, और होलिका दहन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी प्रबल हो लेकिन एक दिन उसका नाश होकर रहता है। तो इस मार्च के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की अपार कृपा हर व्यक्ति पर बनी रहेगी, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग पड़ने वाला है। तो कौन सी तिथियां किस राशि के लिए शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर शुभ तिथियों में हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जो जो बताया गया है वो हम कार्य करने में लग जाते हैं, तो सब मंगल ही मंगल होता है। और जो अशुभ तिथियां हैं उनमें हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धैर्य और शांति से अगर हम कार्य करेंगे तो वो अशुभ तिथियां भी हमारे लिए शुभ ही रहेंगी। तो आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। इनके लिए शुभ तिथियां हैं 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 28, 29, 30 और 31। तो इन तारीख में यानी कि इन दिनांक में इनके सभी कार्य शुभ व कल्याणकारी होंगे। मेष राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। समय परिवर्तन होने के कारण इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे, वांछित धन लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण चेहरे पर खुशी रहेगी, परिवार में सभी सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने में आप समर्थ रहेंगे, परिवार में शांति का वातावरण बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला रहेगा, क्योंकि बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं चलेंगी व स्कूल स्तर की परीक्षाओं का परिणाम भी घोषित होगा, इसलिए छात्र छात्राओं पर यह महीना मिला जुला असर दिखाएगा। घर में शुभ व मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, इससे इनका खर्चा भी बढ़ेगा लेकिन मन प्रसन्न रहेगा। पहले बनाई गई योजनाएं सफल होने से आय के मार्ग खुलेंगे, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन भी मिल सकता है। अब अशुभ तिथियां कौन सी हैं? 4, 5, 6, 14, 15, 23 और 24। तो मेष राशि वालों को इन तिथियों में सावधान रहना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है, मनोबल गिर सकता है, हिम्मत कमजोर हो सकती है और मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है, प्यार में धोखा मिल सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रुओं से सावधान रहें, धन का अधिक लालच न करें, शेयर मार्केट में रुपए पैसे इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति अगर रही तो आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो मार्च का महीना आप सबके लिए शुभ कल्याणकारी व मंगलदायक हो, यही हम सबकी भगवान से प्रार्थना है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।